नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। रूस चंद्रमा में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस परियोजना पर भारत भी रूस के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। भारत ने रूस की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अपनी गहरी रुचि दिखाई है। खबर यह है कि रूस और भारत के साथ चीन भी इसमें शामिल होने को उत्सुक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अचानक पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह के गांव लदमा का दौरा किया। मुख्यमंत्री के काफिले के पहुंचते ही अनंत सिंह भी वहां पहुंचे और सड़क पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी उपस्थित रहे, लेकिन बातचीत की बारीकियों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार ने इस साल भी दिवाली पर पटाखों पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया है, ताकि सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। बिहार सरकार ने 1 अक्टूबर से 9 से 14 साल के बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका निःशुल्क देने की घोषणा की है, जिससे राज्य देश में इस पहल को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसके लिए 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। फेस्टिव सीजन में भारी छूट का लाभ उठाने के लिए लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, लेकिन इसे सावधानी से करना जरूरी है। रीपेमेंट साइकिल पर ध्यान न देने पर कर्ज का बोझ जो है बढ़ सकता है और भविष्य में कर्ज लेने में आपको कठिनाई हो सकती है। विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि केवल उतना ही खरीदारी करें जितना EMI आसानी से चुका सके। लोजपा रामविलास की बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक 11 सितंबर को बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में होगी। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की संभावित सीटों और पार्टी संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। पार्टी प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट ने इसकी जानकारी दी। बिहार में बढ़ते अपराध पर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के साथ उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी हमलावर हैं। रोहिणी ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया कि बिहार में कौन सा राज चल रहा है, जबकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी के समक्ष अंतिम लाभकारी स्वामित्व का खुलासा करने के संबंधी नियमों का पालन करने से बचने के लिए कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने कानूनी विकल्प चुना है। मानदंडों का पालन करने की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है। इंडो FPI ने ST से अनुरोध किया है कि वे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को इन नियमों का पालन करने के लिए और समय देने का निर्देश दें। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में सोमवार को बड़ी चूक सामने आई है, जब बेलछी प्रखंड में एक कार्यक्रम के दौरान वेलकम गेट गिर पड़ा। गेट गिरने के समय मुख्यमंत्री की गाड़ी कारकेट के पीछे थी, जिससे घटना की जोखिम और बढ़ गई। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तुरंत स्थिति को संभाला। दिलीप ट्रॉफी के आगाज के साथ खबर यह है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह को इंडिया बी टीम में शामिल किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में खेल रहे रिंकू सिंह जल्द ही इस टीम से जुड़ेंगे। उन्होंने इस बुलावे पर कहा कि वे मेहनत पर विश्वास करते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। उन्होंने फिल्म सितारे शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन के उदाहरण के माध्यम से अपनी और तेजस्वी की पहचान को रेखांकित किया। पीके ने स्पष्ट किया कि राजनीति में भी परिवारवाद को लेकर पारदर्शिता आवश्यक है। देश में मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार सतर्क है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को सतर्कता बरतने के साथ मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीजों की जांच करने और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने की सलाह दी गई। बिहार के 7 जिलों सारण, वैशाली, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, दरभंगा और पटना के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश और ठंड का गिरने की संभावना जताई गई है। देश में मोटे अनाज जैसे बाजरा और ज्वार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में राजस्थान कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट का वितरण किया है। इस पहल के तहत राज्य में 7,90,000 बाजरा और 89,000 ज्वार के बीज मिनी किट किसानों को प्रदान किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में बीजेपी नेता की हत्या के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोली मारकर भाग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने आजकल भारत के पड़ोसी चीन को बेहद
परेशान करके रख दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और फिर सिंगापुर के हाल ही दौरे ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ जारूस और यूक्रेन से बराबरी के रिश्ते को बरकरार करके पीएम मोदी ने दुनिया में मिसाइल कायम कर दी है, वहीं लुक ईस्ट नीति ने पड़ोसी चीन को सकते में डाल दिया है। बिहार के नालंदा जिले में शिक्षा विभाग ने 121 स्कूलों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर छात्रों की एंट्री नहीं की है। इन स्कूलों की मान्यता रद्द होने का खतरा बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने इनकी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कारोबारी सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा। सुबह के उठा पटक के बाद FMCG और बैंकिंग स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी लौटने के चलते बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के इंडेक्स गिरकर बंद हुए। बाजार बंद होने पर BSE सेंसेक्स 375 अंकों की तेजी के साथ 81,559 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84 अंकों की उछाल के साथ 24,936 अंकों पर बंद हुआ। राज्य में इथेनॉल प्लांटों में मक्के की खपत 50% तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के 30% से अधिक है। 2022 में इथेनॉल प्लांटों में मक्के की खपत केवल 20% थी। 17 इथेनॉल प्लांटों में से 11 एक्टिव हो चुके हैं और बाकी 6 जल्द ही चालू हो जाएंगे। जापान को एक तरफा मुकाबले में रौंदा भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। आज हुलुनबुर में गए मुकाबले में भारत ने जापान को 5-1 से हरा दिया। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने सबसे ज़्यादा 2 गोल दागे वही अभिषेक संजय और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यूपी सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया था। कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाई। इस फैसले से 6,800 उम्मीदवार प्रभावित होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लिथियम आयन की कीमतों में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहन अब बिना सब्सिडी के भी अपनी लागत बरकरार कर सकते हैं। 2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18% GST का मामला अटका। और बॉलीवुड के हैंडसम हंक और स्टंट के महारथी अक्षय कुमार आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। 33 साल की करियर में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत चुके अक्षय कुमार ने हाल ही में फिल्में स्त्री 2 और खेल खेल में जैसी हिट फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर 2024 से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा, जो कि मानसून के बाद का पहला अवसर होगा। इस दौरान क्षेत्र धीरे धीरे मानसून से उबर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि मौसम अनुकूल रहा तो उद्घाटन की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। हुंडई ने अपनी नई अल्काजार फेस लिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसमें स्मार्टफोन के जरिए डोर लॉक अनलॉक करने जैसी आधुनिक फीचर्स शामिल है। ये कार 4 वेरिएंट्स और 2 इंजन ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। कंपनी ने पहले ही बुकिंग शुरू कर दी है और कीमतों का खुलासा जल्द हो जाएगा। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को 5-1 से हराकर ग्रुप चरण में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए जबकि अभिषेक संजय और उत्तम सिंह ने भी गोल किए। जापान के लिए मात्सु मोतो काजू मासा ने एकमात्र गोल किया। तमिल सुपरस्टार विजय की हालिया रिलीज फिल्म गोट दुनिया भर में अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। इंडिया में भी फिल्म हर दिन की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है। ओपनिंग डे पर गोट ने शानदार कमाई की थी। फिल्म को 4 दिन का ओपनिंग वीकेंड मिला था। ओपनिंग वीकेंड में गोट का जलवा देखने को मिला। गौतम अडानी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार से $50 करोड़ का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग की है, जो लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक स्थिरता के बीच बकाया राशि की देरी से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अडानी समूह बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है।
भारतीय मानक ब्यूरो ने ग्रुप ए बी और सी के तहत स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज 9 सितंबर से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार BIS की आधिकारिक वेबसाइट bis.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौशाद रजा, सपना कुमारी, बाबूलाल मरांडी, धनंजय कुमार, राजू कुमार, विकास कुमार, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें। धन्यवाद।